इसका चेहरा देखो, इसका चेहरा बिल्कुल तुम्हारे मालिक से मिलता है। मुझे ऐसे मान ली तुम्हारी बात, तुम्हारा बच्चा है, तुम इस बच्चे की कसम खाओगे, तुम्हारा बच्चा। शीला सच बता दो, सच जी नहीं है, मेरा ही बच्चा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये शादी में झूठा नाम लगा रही है, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कर रहे हो साहब? कहीं भी जाके तू मर, इस बच्चों को मार, मेरे को नहीं पता। सेट चलो छोड़ूंगा ही नहीं, बच्चे खाते तो मेरे को शादी नहीं है। मेरा बच्चा है ये। बेटा ये कौन है? पापा। कौन है, एक बार जोर से बोल। पापा। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मेरे पास अनुष्का जी आई हुई हैं, इनकी कहानी आप सुनोगे तो बिल्कुल दंग रह जाओगे। अब मैं क्या बताऊं, खुद से ये खुद ही बताएंगे, आप पहले सुन लो इनकी बात। तो मैडम आज जो आप आए हो, जो भी आप मुझे बता रही थी ना सारी बात, आप आराम से पहले ऑडियंस को बताओ एक बार। मैं शादी के बाद हर कोई चाहता है कि बच्चा हो, तो हम भी चाहते थे, तो हमने काफ़ी ट्राई भी किया, तो मुझे बेबी नहीं हुआ। और कितने साल पहले आपकी शादी हुई? 7-8 साल हो गए हमारी शादी को। ठीक है, हाँ। तो अगर बेबी होता भी था तो मिसकैरेज हो जाता था कुछ टाइम के बाद, तो ऐसे प्रॉब्लम चलती रही, तो फिर टाइम के साथ साथ फिर आदत भी हो गई। तो फिर उसके बाद हमारे, जब मैं शादी करके आई थी तो एक जब से काम वाली लगी हुई हमारे शुरू से ही, जब मैं आई थी शादी के बाद, मतलब नौकरानी। हाँ। तो अब बीच में फिर जैसे भी शादी के कुछ टाइम बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, फिर उसके बेबी हुआ, तो वो सब, फिर वो पहले अपने बच्चे को नहीं लाती थी, वो अपने बच्चे को लाती है ना साथ में, तो उसका थोड़ा अजीब है कहना, लेकिन उसके बच्चे की शक्ल मेरे पति से मिलती है। मतलब ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब आपका, मतलब आपके घर में जो नौकरानी है उसका जो बेबी है वो पहले बचपन में नहीं लाती थी, अब थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने साथ काम पे लेके आती है, और आपको ऐसा लगता है कि वो बच्चा जो आपके पति का है? हाँ, क्योंकि वो शक्ल मिलती है उनको। शक्ल तो देखो ये तो नॉर्मल सी बात है, शक्ल किसी की भी किसी से मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? फैमिली पे ही जाता है बच्चा। ज्यादातर आपको शक किस बात पे हो रहा है? बस शक्ल देख के, इतनी सी बात पे तो आप डाउट नहीं कर सकते हो ना, कुछ ऐसा देखा हो? देखा है, केयरिंग, मतलब उसके मामले में थोड़ा केयर भी करते हैं, पैसे वैसे की जरूरत होती है तो उसे दे भी देते हैं। अच्छा। एडवांस वगैरह भी, और भी काफी कुछ है, तो डाउट है मन में आया, तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा जब भी आया देख के, तो बस मुझे ये सब डाउट क्लियर करना है कि जो मैं सोच रही हूँ कि मेरा वहम है या सच में ऐसा है। अच्छा। तो वही सब के लिए आज आपको बोला। आपने कभी उस नौकरानी से आपने पूछा नहीं? नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि जब तक मैं खुश और नहीं हूँ तो मैं से किसी पे तो कुछ। आज आपने उस नौकरानी को यहाँ पे बुलाया? हाँ, आज मैंने उसको। और आप अपने पति को भी बुलाया? हाँ। कोई बात नहीं, पहले आप अपने नौकरानी से बात करो, पूछो, उसके बाद आप अपने पति से बात करो। ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है तो मैं भी इसमें आपकी हेल्प करूंगा, मैं भी सच्चाई निकलवाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे बैठो आराम से, ठीक है? तो गाइस मतलब देखो, ये इनको बेबी नहीं हो पा रहा, और इनको ऐसा लगता है कि जो इनके घर में नौकरानी है उसके पास एक बेबी है, तो इनको ऐसा लगता है कि इनके पति का बच्चा है। अब क्या सीन है, ऐसे हम इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते, इसीलिए पूछताछ करना होगा, सच्चाई निकलवाना होगा। वीडियो को स्किप मत करो, देखते हैं क्या होता है। A few moments later. नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। क्या हो गया? क्यों बुलाया मुझे? मैं तो डरी गई, कहीं चोरी हो रही तो ना। उनसे बात ही करनी थी। क्या बात करनी थी मैडम, बताओ? चोरी होगी क्या घर पे? नहीं नहीं, चोरी क्यों होगी यार, शुभ शुभ बोलो, क्यों चोरी होगी? आपने बुलाया यहाँ पर इतने फटाफट, तो मैं ऐसी भागी भागी। बात करनी जो मैं घर पे नहीं कर सकती थी, मेरा मन था कि मैं तुम्हें अकेले में बुला कर तुमसे बात। बोलो क्या बात है? एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कई बार बोला, तुम्हारे पति को इनवाइट भी किया कि घर के मतलब फंक्शन वगैरह में भी, तो वो कभी नहीं आए, तुम उन्हें लाती क्यों? अरे आपको पता तो है वो इतने बिजी रहते हैं, वो आते नहीं है। अरे बिजी तो तुम्हारे मालिक भी रहते हैं, इसका मतलब एक एक दो दो दिन तो वो कभी कभी बाहर भी चले जाते हैं, वो मुझसे भी नहीं मिलते आकर। अच्छा। हाँ, कोई नहीं, बुलाओ कभी, मिलते हैं। मेरी सास भी बोलती रहती है काम छोड़ दे, बच्चे पे ध्यान दे, फिर भी वही तो। कोई बात नहीं, चलो कभी। कोई बात है क्या? नहीं कोई बात नहीं, बस ऐसी मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी थी अकेले में, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। अच्छा अच्छा, बस यही बात थी कि भाई वो काम में बिजी रहते हैं इसलिए नहीं आ पाते। मैंने तो उन्हें कितनी बार बोला कि आप आओ आओ आओ, मैडम जी कितनी बार बुलाती हैं जी। और तुम ये बताओ यार, मतलब तुमसे एक बात करनी थी। मैं बोलिए मैडम। बेटा इधर आओ, इधर आओ। देखो इसकी शक्ल, इसकी आंखें देखो, इसकी मतलब इसका चेहरा देखो, इसका चेहरा बिल्कुल तुम्हारे मालिक से मिलता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है? कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे कैसी मैडम, मेरा ही बच्चा है।
देखो वो मेरे साहब है ना, तुम्हारा पति कभी मैंने देखा, आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं, मेरा ही बच्चा है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? क्या मुझे मेरे मन में जो आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है, तो वो तो नहीं, आप ये गलत बोल रहे हो मैडम। इतने सालों से मैंने आपके घर का नमक खाया, मैं ऐसे करूंगी? तभी तो मुझे, पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला, मुझे डाउट आ रहा है उस चीज का। ऐसा कुछ भी नहीं है, सालों से तुमने आज तक ये मेरा ही बच्चा है, वो मेरे साहब है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। देखो इसकी आंखें, इसकी नाक, इसके होंठ, इसके कान, इसका चेहरा, इसका रंग तक तुम्हारे मालिक से मिलता है। उससे क्या होता है, रंग तो दो ही तरह के होते हैं, गोरा और काला होता है, नैन नक्श कैसे मिल जाएंगे एक इंसान? मैडम आप तो ये इल्जाम लगा रहे हो, वो मेरे साहब जैसे हैं, ये मेरा ही बच्चा है। अच्छा चलो ठीक है, ये मेरा ही बच्चा है, मेरा मेरे पति का बच्चा है ये। तो इतने सालों में तुमने आज तक अपने पति से क्यों नहीं मिला? बताया तो मैंने आपको कि वो ट्रक लोडिंग के काम में बिजी रहते हैं। कोई कैसे बिजी होता है इतने सालों में? वो घर में दो दो दिन तक नहीं आते, मेरे सास तक उन्हें बोलते हैं कि भाई बच्चों पे ध्यान दे, बीवी पे ध्यान दे। मान ली तुम्हारी बात, तुम्हारा बच्चा, तुम इस बच्चे की कसम खाओगे? तुम्हारा बच्चा, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं इसकी कसम क्यों खाऊं? तुम्हारा बच्चा है तो तुम, मैं अपने बच्चे की कसम खाऊं आपके एक झूठे इल्जाम के चक्कर में? झूठा इल्जाम तो तुम मुझे झूठा साबित कर दो ना कि मैं झूठी हूँ, तुम कसम खा लो। क्यों खाऊं मैं कसम? अगर तुम क्यों खाऊं मैं कसम अपने बच्चे की? क्यों खाऊंगी? अगर तुम्हारा खुद का बच्चा है तो तुम कसम क्यों नहीं खाओगी? जब ये बच्चा है मेरा ही है, मुझे किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये मेरा ही बच्चा है। अरे तो मैं तो ये तो कह ही नहीं रही तुम्हारा बच्चा नहीं, लेकिन इसके बाप कौन है? मैं तो ये बोल रही हूँ तुम्हारे, आप ये गलत नाम लगा रहे हो, मेरे साहब जैसे आप उन पे नाम लगा रहे हो। नाम नहीं लगा रही, मुझे क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सारी मेरे पे झूठा नाम लगा रही है कि आपको मेरा बच्चा है। क्या हो क्या रहा है, ड्रामा ये क्या कर रखा है? मैं पूछ रही हूँ, ऐसे घर में परेशान करके रखा हुआ, उससे क्या पूछ रही है? इसकी शक्ल तुमसे क्यों मिलती है, तुम बताओ ना ये बात। इतने टाइम कितनों की शक्ल मिलती होगी मेरे से? इसी की क्या मिलती है? मेरे बहुत सारों से मिलती है, सारे मेरे बच्चे। दीदी आप तो शक कर रहे हो, पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में। मेरे दिमाग में जो आया मैं पूछ रही हूँ, डाउट है मुझे, पूछ रहे कसम खिला रहे हो मेरे बच्चे की? मेरे क्या पता उसका पति का है? और तुम बड़ा भैया केयर करते हो, एडवांस मांगते हो, तुम मिनट में देते हो, क्यों दे देते हो? कोई नहीं देता कराने को, एडवांस नहीं दूंगा, रुक जाइए हमारे घर, काम कौन करेगा? काम वाली काम वाली और ढूंढ लेंगे हम, ऐसा क्या है जो इसको निकालना नहीं चाहते? ए यार बस यही है ना, उल्टी सीधी बात मेरे दिमाग में चलती रहती है, बस क्या इसको निकालना नहीं चाहते? प्रूफ कर दो, ये कसम क्यों नहीं खा रही बच्चे की? क्योंकि मेरे बच्चे में अपने बच्चे की कसम क्यों खाऊं? क्यों खाऊं मैं अपने बच्चे की कसम? मैंने देखा है तुम्हें ऐसे करते हुए, देखा है मैंने कितनी बार, इज्जत करता हूँ तो हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए, मैं इस वजह से करता हूँ इज्जत। और क्या साहब, मेरे भाई जैसे हैं, साहब मेरे भाई जैसे आप जिस पे नाम लगा रहे हो, मुझे डाउट है। अब मेरे को डाउट नहीं, डाउट है यार, ये सब ये मैडम ये आपका शक कैसे रहा? निकाल दो अपने खोपड़े से, है ना, ये भरी रहती है जो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा ही बच्चा है। कैसे किसी की शक्ल मिल जाएगी बच्चे की? सबसे आपसे मुझे ऐसे मिल गई, बताओ। अब मुझे शक आ रहा है तो मेरे, या तो शक तुम दूर करो, पहले तुम्हारी डे शिफ्ट थी, उसके बाद तुमने एकदम से नाइट शिफ्ट करवा ली, तुम रातों को गायब रह रहे हो, क्या करूँ मैं? मेरे दिमाग में अगर शक आएगा तो मैं तो करूंगी ना क्वेश्चन तुमसे। तो ये वहाँ पे ऑफिस में मेरा राज चल रहा है, जब वो कहेंगे जिस शिफ्ट को, मैं तभी काम कर सकता हूँ ना वहाँ पर, या घर बैठ जाऊँ? वो सब कुछ नहीं सुनना मुझे, बस जो मेरे दिमाग में आया मुझे उसका प्रूफ चाहिए। ऐसा करता हूँ मैं, घर बैठ जाता हूँ ना 24 घंटे के लिए, फिर सही रहेगा, घर चल जाएगा फिर। ये मेरा बच्चा है, ऐसा कुछ नहीं है मेरा, कोई लेना देना नहीं है इससे, क्या करूं फिर मैं? हर तरीके से तो तुम्हें समझा दिया है। अच्छा चलो क्या करना है, मान लिया ये तो इसकी माँ, इसलिए कसम नहीं खा रही। अगर ये तुम्हारा बच्चा नहीं तो मैं इसकी कसम खा, तो मैं किसी और के बच्चे कसम क्यों खाऊं यार, कैसे खा सकता हूं मैं? तुम प्रूफ करो ना कि तुम्हारा बच्चा नहीं, अगर तुम्हारा तो तुम्हें फर्क क्या पड़ता है, तुम कसम खा लो। तुम अपने है ना दिमाग से सब निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा, कोई लेना देना नहीं, मैं कुछ नहीं सुनता, बस अगर तुम्हारा बच्चा नहीं तो तुम, मैं इसको इतना ही जानता हूँ हमारे घर में काम करती है वो, ठीक है, बस और कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें, तुम कह रहे हो ना तुम्हारा बच्चा नहीं, तुम इसकी कसम खा लो, मैं मान जाऊंगी कि तुम्हारा बच्चा नहीं, बात खत्म करो ना, बात बढ़ा क्यों रहे हो? अगर तुम सही, विश्वास हो जाएगा तुम्हें? हाँ हो जाएगा, उसके बाद फिर कोई ड्रामा तो नहीं होगा घर के अंदर, कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कर रहे हो साहब, मेरे बच्चे को मारना है क्या? मारना है कसम? एक मिनट, अब ये तो सब चल क्या रहा है? क्या चल रहा है? मैं तो कसम खाने के लिए, कसम खाने दे, बच्चे की झूठी कसम खाने मारना है क्या? बच्चे की कसम मेरे से तो झूठी, वो झूठी क्यों कह रही है? तुम झूठी क्या, क्या झूठी? ये मेरे बच्चे की कसम, झूठी मत खाओ। चल क्या रहा है सब, अब बताओ तुम, ये झूठी कसम खाने वाली बात कहां से आ गई? कुछ नहीं चल रहा है, वो कसम नहीं खाने दे रही, बस अपने बच्चे की झूठी भी बोल रही है। क्या झूठी, क्या कहना चाह रही है तू? तुम झूठी कसम खा रहे हो साहब। क्या झूठी कसम खा रहा हूं मैं? कि ये मेरा बच्चा है, समझाओ मुझे, चल क्या रहा है दोनों? हां तो मेरा नहीं है, तो तुम झूठी कसम खाओगे? किस बात की झूठी कसम खा रहा हूँ मैं सही कसम खा रहा हूँ कि मेरा बच्चा नहीं है ये।
अब तुम कैसे प्रूफ कर पाओगे तुम्हारा बेटा नहीं है? अब बताओ ना, तुम बताओ, और तुम बताओ क्यों कह रही है झूठी कसम? नहीं बताओ ना, तुम क्यों कह रही है झूठी कसम? क्या कहना चाह रही है तू? क्या बकवास कर रही है? क्या झूठी कसम खा रहा हूँ मैं उसकी? झूठी कसम खा रहे तो मेरे बच्चे की कर दिया। क्या चल रहा है हमें? मेरी जिंदगी नहीं चल रहा है क्या? कुछ नहीं चल रहा, ये ड्रामे कर रही है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ड्रामे कर रही है, तुम कर रही है, मुझे नहीं पता। मुझे प्रूफ चाहिए बस। तेरा बच्चा है, मैं कसम खा रहा हूँ ना, मेरा बच्चा कोई है? मैं खाने नहीं दूंगी कसम झूठी। एक बात, अभी तुम कह रहे थे कि भाई सामान, अब वो कसम खा रहा, तो झूठी वाली बात कहां से आ गई? अब तुम ये बताओ, मेरे बच्चे को सोनिया इसकी कसम खाने की जरूरत नहीं है। झूठी वाली बात है, कसम नहीं खाने किसी की, कसम खाने की जरूरत नहीं है। क्यों कर रहे हो तुम? इसका मतलब मेरा बच्चा है ना, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है? मैं नहीं जानता इसको, सिर्फ इतना ही कि हमारे घर की नौकरानी है, तो ये क्यों? और इस बच्चे को भी नहीं जानता तुम? झूठी क्या पता क्यों कह रही? मैं तो यार झूठी कसम का खा रहा हूँ, सच खा रहा, मेरा बच्चा नहीं है। बताओ, अब तुम बताओ, बोलो, अब तुम प्रूफ दो, कहाँ है तुम्हारा पति? बड़ी देर से दावे कर रहे थे ना, मेरा पति काम पे रहता है। क्या यार ड्रामा लगा रखा है, हद होगी। मेरे बच्चे की ना झूठी कसम खाने की जरूरत नहीं है, बोल दिया मैंने। अरे तू लेके जा कहीं भी जाके, तू मर, इस बच्चे को मार, मैं नहीं पाया सेट, ठीक है? क्या कर रहा है मेरे बच्चे को? कैसे बोल रहा है, कैसे बोल रहे? भूल गए तुम सारी बातें? कौन सी सारी बातें? सच बता रहे हो या नहीं बता रहे? क्या सच बता रहा हूँ मैं? अरे कुछ नहीं, बकवास कर रही है, ये छोड़िए। मेरे बच्चे को उल्टा बोलने के समझाएगा? चल क्या रहे? कुछ नहीं चल रहा, ये झूठ क्या बोलना चाह रही तू? ये बता पहले मेरे को, तू झूठ बोल रहा है? क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं? क्या झूठ बोल रहा हूँ? तू झूठ बोल रहा है? अभी तो मेरे बच्चे के, अभी तक मैं सुनती हूं, अब तो मेरे बच्चे को मारने की बात कर रहे हो? क्यों हमारा घर बिगाड़ने के चक्कर में लगी हुई है? चल यहाँ से निकल, जाने ड्रामे कर रही है कुछ? जाने एक मिनट, मुझे एक सब चल कर रहा है, मुझे सब क्लियर चाहिए आज। क्या चाह रही तू? क्या ये सब क्या? क्यों हमारे, तुम क्या चाह रहे हो? मेरे बच्चे को मारना है क्या? उसके झूठे किस्म खा रहे, कभी कह रहे मार दो। अभी तो तुम कह रहे तुम्हारे पति का बच्चा, अभी जब मैं इतनी देर से पूछ रही थी, जब तुम्हें क्या हो गया? जब तुम्हारा मुंह नहीं खुल रहा था, अब क्या हो रहा है? जरूरत नहीं है, चलते हैं हम घर, छोड़ो इसको। नहीं नहीं नहीं, अभी यहीं क्लियर होगा जो होगा। क्या क्लियर होगा? ये क्या बताएगा? ये झूठा है एक नंबर का। और ये अभी ये कौन है? क्या है ये सब भाई? ओए इधर बैठ, सच्ची बैठ, बात कर, बैठ 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 बैठ, पहले बैठ, बैठ गया। अब बैठ गया, बता क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा बच्चा। एक छोटा सा शब्द ये जानना चाह रही है कि बच्चा किसका है? साला तुम लोग कसम खाने पे, नहीं मैं नहीं कसम, मैं नहीं कसम, तो फिर ये कहाँ से आ गया? ये आसमान से टपक गया? मैं नहीं जानता कहाँ से आ गया। तेरा बच्चा ये नहीं है? मेरा नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ। तो कसम खा ले हाथ रख के, मतलब क्लियर नहीं करना। एक छोटी सी बात जब पूछा जा रहा है, बच्चा किसका है? तेरा है, तू तेरा है, मतलब कुछ नहीं बताना। तो बताएगा भाई, कुछ है नहीं भाई, मैं क्या जानूं बच्चे को? कब से पूछ रही हूँ मैं, परेशान हो गई हूँ, इससे पूछूं ये कुछ बोल रही है, तुमसे पूछूं तुम कुछ बोलो? बच्चा है वो, कहाँ से लाई, क्या है, क्या है, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है? तो समझा दिया एक बार, क्यों मिलती है? अरे यार शकल मिलती है मेरी, यार ऐसी की तैसी कर दी, शकल क्या मिल गई? क्या पता क्यों मिलती है शकल? नहीं बताओगे तुम सच्चाई? कितने टाइम से तुमसे पूछूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? पागल बना रहे? अरे इसी का बच्चा है ये। ओ भैया हाँ कम, ठीक है? वो कसम क्यों नहीं खा रही है? क्या पता क्यों नहीं खा रही? अरे तेरा चक्कर, तेरा चक्कर चल रहा होगा। मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा, इसको बच्चा नहीं हो रहा है, घर मत खराब करवा, ठीक है भाई? मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ घर की नौकरानी है, ठीक है ना? उसको जानता हूँ, इसी बात पे तो मैं सोच के घिना रही है। छी, मतलब नौकरानी मिली तुम्हें? तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, किया ही नहीं, चुप रहोगे बस? फिर अब ये बच्चा ही बताएगा सच। क्या बताएगा सर? लेके जा, तू रो क्यों रहा है? पूछ ले जरा, तुझे क्या दिक्कत है? मेरे को पूछ ले, बिल्कुल चुप, एक एक मिनट सब शांत रहो, तू अपने बच्चों को लेके जा, तुम पूछो जो पूछना, पूछो सामने में, पूछो। हाँ ये कौन है बेटा, ये कौन है? कौन है, एक बार जोर से बोल। पापा है। ये तेरे पापा हैं? ये क्या बोल रहा है भाई? हैं ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब? तू इधर 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 क्या चल रहा है सब? क्या चल रहा है सब? यही काम कर रही थी, यही सच्चाई है। जब से पूछ ना मैं सब, क्या हो रहा है ये सब? और तू अब तुम बताओ, बहुत पूछ के तुमने बन रखा ना, अब बताओ। जब से पूछे थे ना, कब टाइम मिल गया तुझे? अरे सुनना, ये सब करने का कब टाइम मिला? अच्छा नाइट ड्यूटी साहब, नाम नाइट ड्यूटी करते हैं ना, क्या ये सब बताओ? बताना भाई, अब बोलो ना, जब से तो बहुत बोल रहे थे, अब बोलो। हाँ मेरा ही बच्चा है। क्यों किया ये सब फिर? 7 साल इसको अंधेरे में रखा है, अब बच्चा इससे नहीं हो रहा था बच्चा उसे। तो नहीं हो रहा था तो उसका इलाज ही नहीं तो है। मैंने दूसरी शादी कर ली, शादी कर ली, वो भी छुपा के।
क्या करता तूने इसको? इलीगल है। अरे सुन, तूने इसको डाइवोर्स दिया? पता जो पूछा नहीं दिया। बिना डाइवोर्स दिए दूसरी शादी करना लीगल है? वो तो नहीं है तो क्यों किया? क्या करूं? सही था इसका मतलब, इसका शक तो बिल्कुल सही था ना, बच्चा तो तुम दोनों का ही है। तू क्या मतलब मैंने जो कुछ किया, बच्चे अच्छा किस हिसाब से? सुन ये जो घटना है अगर सबको पता चलेगा तो तुझे आज के बाद जो रोटी खाने का जो पैसा कमाती है दूसरे के घर में जाके कोई देगा तुझे काम? बच्चे के लिए किया। अरे बच्चे का और भी रास्ता था, और भी तरीके होते हैं। ये कौन सा तरीका था? उतने टाइम से पूछ रही हूँ, जब से तुम मुझे गलत समझ रहे हो। नहीं, मेरे दिमाग का वहम है। मैं इलाज, ये क्या कहती कि इलाज कराओ जाके अपना। किसका इलाज? पति कहाँ है? पति की ट्रक लोडिंग करता है। कहाँ है तुम्हारा पति? कहाँ है? तभी इतने सालों से कभी नहीं दिखा, हमेशा बुलाओ तो कोई बहाना, इतना बिजी तो कोई भी नहीं होता। बता ना मैम, देखो अब जो सच्चाई थी इन लोगों के सामने आ गई। फैसला मेरा काम था सच्चाई बाहर लाना। अब इस बंदे ने मुंह पे कबूल लिया कि बच्चा इसका है तो और इसका है, रह ले इसके साथ। ठीक है, सही बात है, दे दे इसको डाइवोर्स। वो क्यों रहेगी? बच्चा यार, बच्चा तो हमारे ही है ना। नहीं अच्छा, करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो तुमने अपनी? एक बात बताना, किस हक से बच्चा जब नहीं हो पा रहा था? नहीं चाहिए था मुझे बच्चा, उसको उससे चाहिए था, ना कि नौकरानी के पेट से। मैंने बहुत कोशिश की, उसने भी बहुत कोशिश की। अरे तो नहीं हुआ तो क्या हुआ? बच्चे अडॉप्ट भी तो कर सकते थे, दुनिया में इतने सारे अनाथ बच्चे हैं। तुम कहीं मत जाओ, मैं इसको छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, मैं बच्चा मेरा है। क्यों क्यों मुझे क्यों छोड़ोगे? तुम कहीं नहीं जाओगी छोड़ के, हम सब नहीं नहीं मैं इसको डिवोर्स दे दूंगा और बच्चा हमारा हमारे पास रहेगा। नहीं मेरा बच्चा क्यों रहेगा? मेरा नहीं है क्या बच्चा? ये नहीं हो गया ना? बच्चा तो छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे खाते तो मैं नहीं शादी नहीं है। मेरा बच्चा है ये, कहीं के नहीं रहे तुम। हो गया ना? किसी के कसम झूठे खा रहे थे तुम। अगर तुम्हारा बच्चा होता ना, कसम झूठी नहीं खाते। क्या मिला घर में? खुशियां लाने के लिए किया जो मैंने किया घर में, खुशियां। और 7 साल तक छुपा के इतना बड़ा बच्चा हो गया, आज तक बताया तूने? अगर मेरी खुशी के लिए गया तो मुझे तो बताना था, मुझसे डिस्कस तो करना था, मतलब अपने आप ही खुद ही। मैडम आपको इसके साथ रहना या नहीं रहना? मतलब ही नहीं है। नहीं रहना। और तेरी सच्चाई जो है ना निकलवाने के लिए हमने सामने कैमरा लगा के रिकॉर्ड किया सब कुछ, तेरी सच्चाई रिकॉर्ड हो रही है। ये सब क्या करवा रही हो? तेरी भी असलियत वो तुम देखो ना, तुमने कौन सा नौकरानी थी ना घर में भाई, ये साहब के साथ ही वो सब नहीं हटेगा, वो सब नहीं हटेगा, वो रिकॉर्ड हुआ है। इसी बेस पे तो कोर्ट में जाके इसको खर्चा मिलेगा, इसको डाइवोर्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। नहीं नहीं कोई डाइवोर्स लेगी, लेगी वो क्यों नहीं? किस मुंह से तेरे साथ रहेगी? क्यों रहेगी? मानता हूँ भाई गलत काम नहीं किया। पहले आप डाइवोर्स लो, पहले क्या क्या खुशहाली उसकी, क्या खुशहाली है? वो खुश है पूछ ले मुंह पे। मैडम आप खुश हो? मतलब ही नहीं कोई, ये तो मेरे लिए शौक है, खुश कहाँ से। चलो डाइवोर्स करवाओ और पता चलेगा तुझे भाई। तुम अब तू इससे शादी करियो, इस बच्चे को पाल, तुम दोनों मियां बीवी बनो। चलो आ जाओ, आ जा आ जा।